किसी को मार दे या दुर्घटना हो जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि जन्म नहीं होता है और ये भी भयंकर प्रेत बना जाकर। और भयंकर जब प्रेत बना तो गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा से वापस आए तो देखा कि घर में तरह तरह के रूप बनाकर ये दिखाने लगा गौकर्ण जी को। तो इनके पास एक कमंडल रहता था, उसमें गंगा जल। तो गंगा जल जब थोड़ा सा छिड़का तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि उसके थोड़े से पाप कम हुए। पाप कम हुए तो बोल उठा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी तनामता। कि भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम धुंधकारी हो? बोले कि मैं प्रेत बना हूं, मैंने अपने जीवन काल में इतने दुष्कर्म किए, इतने पाप किए, पिता के ऊपर अत्याचार किया, माँ के ऊपर अत्याचार किया, मदिरा का पान किया जो ब्राह्मणों का स्वभाव नहीं होता। मदिरा का पान ब्राह्मणों को नहीं बताया, बताया तो किसी को नहीं है, ब्राह्मण को तो बिल्कुल भी नहीं बताया है, शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो बोले कि मदिरा का पान किया, चोरी की, बच्चों को कुएं में गिरा देना, इतने बड़े बड़े अपराध किए, इस कारण मैं प्रेत बना, मेरा कोई उद्धार करिए। तो उन्होंने कहा कि जब मैं तीर्थों में गया तो मैंने सुना था कि तुम मृत्यु को प्राप्त हुए हो, तो मैंने पिंड दान आदि किए। तो बोला कि गया श्राद्ध में तुम 100 भी दान कर लो ना, 100 पिंड दान, तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा क्योंकि मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम चले जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति का कोई दूसरा उपाय करता हूँ। सूर्य भगवान से प्रार्थना किया तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का आप आयोजन कराएं, उससे तुम्हारा जो ये भाई है मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया, 7 गांठ का एक बाँस गड़वाया और जैसे ही पहले दिन की कथा में एक गांठी फट जाती है, ऐसे ही 7 दिन की कथा में 7ों गांठी फट जाती हैं और प्रेत का उद्धार हुआ। और इतना ही नहीं, साक्षात जैसे भगवान का स्वरूप होता है उसी रूप में प्रकट हो गया सामने और कहा, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। कि धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा जो प्रेत की पीड़ा का भी विनाश कर देती है।